कोई भी क्राइम को करने के लिए अगर इंटरनेट का यूज किया जाता है तो वो साइबर क्राइम के अंडर में आ जाता है, तो उस पर IPC क्राइम या इंटरनेट एक्ट लगते हैं। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या बहुत सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिससे क्राइम किया जाता है, तो उस पर IPC धारा 103 के तहत उस पर क्राइम लगता है। सो मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप साइबर क्राइम का ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको पुलिस चौकी जाने की या कहीं भाग दौड़ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑनलाइन साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्ट करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। किसी भी साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में लिखेंगे cybercrime.gov.in, तो आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो ये आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाता है, जहाँ से आप साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आइए, यहाँ पर देखिए कि मीडिया गैलरी का एक पोर्शन दिया गया है और इसमें ढेर सारा ऑडियो क्लिप्स दी गई है और इसमें दिया गया है कि कैसे साइबर क्राइम किया जाता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। ये क्लिप्स आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, ईमेल स्कीम एंड फिशिंग, आइडेंटिटी थीफ्स मतलब पहचान की चोरी, इसके बाद यहाँ पे ओशन कॉन्टेंट और भी बहुत सारा ऑप्शन है। इसके बाद मोर ऑप्शन पर क्लिक करके इसमें और सारा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्लिप्स आ जाती है, तो इसको आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जैसे कि मैं इस क्लिप को मैं प्ले करता हूँ, आप इसको सुनिए। पता नहीं मुझे इस ग्रुप में किसने ऐड कर लिया, यहाँ कितनी गंदी चीजें लिखते हैं, ये लोग कितने भद्दे फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं, न जाने ये अश्लीलता कौन फैला रहा है। किसी भी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता देखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता एवं अन्य अश्लील सामग्री जैसे कि रेप और गैंग रेप वीडियो से संबंधित शिकायत www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। साइबर अपराधों से बचाव संबंधित सुझावों के लिए हमें ट्विटर हैंडल @cyberdost पर फॉलो करें। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। पता नहीं मुझे इस ग्रुप में किसने ऐड। तो इस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी क्लिप्स दी गई है, आप इसको ज़रूर सुनिए। अगर आपको साइबर क्राइम के बारे में और भी डिटेल से जानना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको रीड कर लेंगे। लेकिन अगर आपको कंप्लेन करना है तो कंप्लेन फाइल या कंप्लेंट पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। इसको आप रीड कर लीजिए। रीड करने को सिंपली आई एक्सेप्ट, तो आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं किसी ओमन बच्चे के खिलाफ, तो किसी बच्चे या वोमेंस के अगेंस्ट अगर कोई साइबर क्राइम किया जा रहा है तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आप अपना पहचान छुपाना चाहते हैं, अगर बच्चे और वोमेन पर हो रहे कोई साइबर क्राइम के बारे में कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी पहचान को नहीं छुपाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और तरह के साइबर क्राइम को के लिए आप कंप्लेन करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहां से जाके करेंगे, जो कि बच्चे और वोमेन से अलग है, तो आप यहां से जाके करेंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है, जो भी स्टेट से है वो आपको इसमें अपना स्टेट चूज कर लेना है। इसमें अपना एक नाम डाल देना है, इसके बाद इसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर पर जिसे डालेंगे गेट OTP पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका OTP आएगा, OTP आपको इसमें डाल देना है। ये जो देख रहे हैं 19 और 10, ये जोड़ के आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद यहाँ सबमिट पर ओके करेंगे। यहाँ पे आपको कंप्लेन की डिटेल्स देनी होगी। सबमिट करते ही यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी आ जाता है। इसको यहाँ पे आपको टाइटल चूज करना है, मैं मिस्टर है, मिसेज है, जो भी है। चलिए मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। इसका कैलेंडर में से जाके अपना जो भी डेट और डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सिंपली आपको
इसके बाद यहाँ से जाके आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांजेंडर है जो भी है तो आपको इसमें से चूज कर लेना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद सिंपली यहाँ फादर है, मदर है, स्पाउस है मतलब पत्नी है, अब जिसको भी नाम देना चाहते हैं उसको आप यहाँ से आप चूज कर लेंगे, उसका नाम यहाँ पर डाल लेंगे। यहाँ देखेंगे प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रेट नेम, कॉलोनी, विलेज, टाउन और सिटी डाल देना है, तहसील यहाँ पर डाल देना है, यहाँ पर कंट्री आपका ऑलरेडी यहाँ इंडिया आ चुका है, स्टेट आ चुका है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन जो भी है आपको इस पुलिस स्टेशन में आपको यहाँ से चूज करके यहाँ पुलिस स्टेशन इसमें सब चूज करके डाल देना जो भी पुलिस स्टेशन लगता है। यहाँ पिन कोड डाल के यहाँ पर अपडेट वाले पे ओके कर देना है। यहाँ पर देखिए जैसे अपडेट में किया हूँ सिंपली ओके का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली आप यहाँ पर ओके कीजिए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर साइबर अदर साइबर रिकॉर्ड यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपने कंप्लेन की डिटेल देनी होगी, आपकी कंप्लेन कौन से कैटेगरी में आती है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम है, ऑनलाइन फिशिंग क्राइम है, इसके बाद देख रहे हैं ऑनलाइन साइबर ट्रैफिकिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, रिसॉल्विंग है, तो यहाँ बहुत सारा क्राइम आ जाता है जिसको आपको इसमें से चूज करके डाल देना है। यहाँ पर सब कैटेगरी कंप्लेन, तो आपको इसमें से भी आपको चूज करके डाल देना है। जैसे इसमें अगर आप कोई भी चूज कर रहे हैं तो आ जाता है, तो सिंपली आपको इसमें से भी आपको ऑप्शन चूज करके यहाँ पर डाल देना है कि आपका जो रिपोर्ट है वो कौन सी कंपनी कैटेगरी में आती है, यहाँ सेव कैटेगरी, तो आपको यहाँ से भी सेव कैटेगरी को आपको यहाँ पर चूज करके डाल देना है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग के साथ डेटा एंट्री एग्रीमेंट के लिए फ्रॉड किए जाते हैं और वो मोस्टली फ्रॉड होती ही है, और वो लीगल नोटिस भेजते हैं जो कि फेक होता है कि आपके अगेंस्ट केस किया जा रहा है और आप इतने पैसे दे दो, तो वो एक फ्रॉड होता है और उसका भी कंप्लेन आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे अपना डेट टाइम डालेंगे और यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम यहाँ पे आपको डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे आज का ही डेट और टाइम डाल देता हूँ। अगर आप लेट कंप्लेन कर रहे हैं तो सिंपली यस करेंगे और यस करके यहाँ पर रीजन डाल देंगे कि क्यों आप लेट कंप्लेन कर रहे हैं। अगर लेट कंप्लेन नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पे ही टिक रहने देंगे। इसके बाद ये इंसिडेंट आपको कहाँ पे हुआ है वो आपको इसमें से आपको चूज कर ला, ईमेल के साथ हुआ है, फेसबुक हैक, इंस्टाग्राम, स्प्रेस, टिकटॉक, ट्विटर, तो ये जिसमें से भी आपके साथ जो भी क्राइम हुआ है इसमें से आप चूज कर लेंगे। और यहाँ पे आप उस जो भी वेबसाइट है उसका आप URL डाल सकते हैं जिसके साथ आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उसका URL यहाँ पे आप डाल देंगे। अगर आपके साथ जो अगर ईमेल से किया गया तो ईमेल डालेंगे और यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे ईमेल का जो भी URL है वो आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। मान लीजिए कि आपके साथ कोई ईमेल सेंड किया गया है कि आप इतने पैसे भरिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट आपको केस फाइल कर दिया जाएगा, तो यह भी एक फ्रॉड है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद सिंपली आप इसमें अपलोड कर दीजिए। इसके लिए सिंपली आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी कंप्लेन रखी हुई है कंप्लेन को अपलोड कर देंगे। इसमें देखिए यहाँ पर अपलोड हो चुका है, अगर एक से ज़्यादा कंप्लेन है तो आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद सिंपली आप इसमें फिर से आप यहाँ पर चूज फाइल पर ओके करके उसमें जो भी कंप्लेन है उसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आपको उस इंसिडेंट्स के बारे में बताना होगा जहाँ जैसे आपका इंसिडेंट्स हुआ था, यानी आपके साथ जो भी क्राइम हुआ था। अब यहाँ पे अपना जो भी इंसिडेंट्स हुआ वो डालेंगे, जैसे आपके साथ कोई ईमेल पे मैसेज आया कि आपको इतना पैसा भरिए, नहीं तो आपके अगेंस्ट हम कोई केस कर देंगे, या आप हमको पैसा दीजिए नहीं तो आपको जान से मार देंगे, ऐसा कुछ भी आपको क्राइम घटना घटी है तो वो आपको यहाँ पे आपको डिटेल में डाल देना है कि मेरे साथ इतना जो बात हुआ है और इतना इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। इसके बाद इतना कुछ डालने के बाद सिंपली यहाँ सेव एंड ड्रॉप एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे। सस्पेक्ट जो है उसी को एक डिटेल देनी होगी, तो उस सस्पेक्ट की यहाँ पर डिटेल देनी होगी जिसने फ्रॉड किया हुआ है, उस सस्पेक्ट की आपको यहाँ पर डिटेल देनी होगी। तो उस सस्पेक्ट के बारे में आपको कुछ भी पता है तो आप यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर उसका नए सस्पेक्ट की नाम दे देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि वह उसका जो कुछ भी पता है जैसे बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड या वोटर आईडी जो भी है इसमें से उसका अगर पता है तो टाइप कर देंगे। तो आप इसमें से जो भी पता है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसका आईडी अगर पता है तो यहाँ पर उसका आईडी नंबर भी यहाँ पर आप डाल देंगे। अगर एक से ज़्यादा अगर पता है तो ऐड पर क्लिक करके और इसमें और इसको ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर इसका ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर उसका जो ईमेल आईडी का नेम है वो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे जो नाम नेम से आता है वो नेम को आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। अगर एक से ज़्यादा सिंपली ऐड पे क्लिक करके इसमें और भी इसमें हम ऐड कर लेंगे, सिंपली उसके ओके करके यहाँ पे जो भी है इसको और भी हम ऐड कर लेंगे।
इस तरीके से हमको इसमें ऐड कर लेना है। अगर एक से ज़्यादा अगर पता है ईमेल आईडी के अलावा, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस वही पता है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, वोटर आईडी, तो वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका नाम, यहाँ पे उसका आईडी नंबर डाल के या मोबाइल नंबर डाल के सिंपली ऐड करके इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे आपके पास कोई फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं जो सामान परचेज करता हूँ और वो आपसे पैसे के नाम पैसे ले लिए कि आपको मैं सामान आपको परचेज करके भेज देता हूँ बाय ऑनलाइन, अगर उसको दे दिए और उसका मोबाइल नंबर पता है तो उसे मोबाइल नंबर इसमें डाल के उसको इसमें इसी तरीके से ऐड करके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर सस्पेक्ट कि आपको कोई फोटो है तो सिंपली अपलोड फाइल पर चूज फाइल ओके करेंगे, जहाँ ही फोटो है उसको तीसरे के फोटो सेलेक्ट करके इसमें ओपन कर देना है। अगर सस्पेक्ट की एड्रेस भी पता है तो सिंपली यस करेंगे, और यहाँ पे यस करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन ओपन होके आ चुका है। यहाँ पूरा इसका नाम, हाउस नंबर, स्टेट, कॉलोनी, विलेज, तहसील, कंट्री, स्टेट वगैरह डाल के सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अगर कुछ भी नहीं पता तो सिंपली यहाँ पे नो पे ही हम टिक रहने देंगे। इसके बाद सिंपली यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट पर ओके करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कंप्लेन डिटेल के थोड़ी यहाँ पे आपको और डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम चूज कर लेंगे, मिस्टर, इस बार मेरा यहाँ पे नाम आ जाता है, यहाँ मोबाइल नंबर आ जाता है, यहाँ जेंडर इसमें से आप चूज कर लेंगे, मेल है, फीमेल है, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। इसके बाद सिंपली यहाँ सपोर्ट स्पोर्ट्स में हमारा जो भी हम दिए थे वो आ जाता है। इसके बाद ये रिलेटिव रिलेशनशिप जो है कि इसके साथ क्या है, मतलब फादर है, मदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, सिस्टर है, नेगेलिजिबल है, फादर है, मदर है, तो जो भी आप इसमें से चूज कर सकते हैं। इसको देख रहे हैं कि जो भी हम स्पेस दिए है उसके सारे रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पर टाइपिंग कर देंगे। ईमेल आईडी है तो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद ये जो विक्टिम है जिसके साथ साइबर क्राइम हुआ है, उसके साथ रिलेशन किया है, उसका ही यहाँ पर नाम डालेंगे। जो हमें ढेर सारा ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, तो इसमें से जो भी है इसमें से आपको चूज कर लेना है। अगर आप ही है तो सिंपली आप सेल्फ पर क्लिक करके इसको अपना ही डाल सकते हैं। यहाँ पे विक्टिम की आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। अगर आप विक्टिम खुद ही है तो आप अपना आईडी यहाँ से आप सिंपली जाके सेलेक्ट करके आप इसमें सेलेक्ट करके ओपन कर दीजिए और इसमें ऐड कर लीजिए। इसमें यहाँ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसको सिंपली चूज करने के बाद यहाँ अपलोड पर ओके करेंगे और ये फाइल आपको यहाँ पर अपलोड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आपका फाइल यह अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे अपना यहाँ कॉम्प्लीमेंट एड्रेस, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे आपका डाल देना है। नेशनलिटी आ चुका है, हाउस नंबर है, स्टेट नेम, कॉलोनी, विलेज, टाउन, सिटी, ग्रांड, यहाँ तहसील डाल देना है, कंट्री आ चुका है, स्टेट आ चुका है, डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, पुलिस स्टेशन आ चुका है, पिन कोड आ चुका है, इसमें सब कुछ आज बाद सिंपली यहाँ सेव एंट्री पर ही पे ओके करेंगे। अगर लग रहा है कि इसमें कुछ गलत है तो सिंपली बैक जाके इसको आप सुधार भी सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है, सिंपली यहाँ पे सेव एंड पर व्यू वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे पूरी कंप्लेंट जो भी आप टाइपिंग की है वो यहाँ पे आपका ओपन होके आ जाता है, और जहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आप इसको रीड भी कर सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं हमको फिर भी इसमें कुछ करेक्शन करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाइएगा, यहाँ बैक जाके इसको आप सही कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है, आपको सिंपली यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे, और एग्री पे क्लिक करते ही यहाँ पर देख रहे हैं कि रीसेट, कन्फर्म एंड सबमिट, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ में। जो भी आप एप्लीकेशन इसमें टाइप किए यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, दोबारा से अगर रीसेट करना चाहते हैं रीसेट कर लीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं सब कुछ सही है तो आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ कन्फर्म एंड सबमिट पर ओके कर दीजिए। चलिए सब कुछ सही है, मैं यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट पर ओके कर देता हूँ। ओके करते ही यहाँ पे आपका सामने देखिए यहाँ पे आपका जो कन्फर्म सबमिट हो चुका है, और यहाँ पर देख रही है कि एक एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपका ये नंबर आपका यहाँ पे आ चुका है। इस नंबर से आप अपना जो कंप्लेंट की है उसका ट्रैक भी कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस नंबर से अपना कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जो अभी आपने कंप्लेंट किया है उसका स्टेटस क्या है। यही नंबर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भी सेंड किया गया होगा। इसको सिंपली यहाँ से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे अपने कंप्लेंट को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसे डाउनलोड पे ओके करेंगे, और डाउनलोड पे ओके करने के बाद जो भी ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पाथ चूज करने का, वहाँ से जाके आप इसको देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है ये। तो इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको डाउनलोड करके रख लेंगे अपने रिकॉर्ड के लिए। तो ये मेरा पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो चुका। चलिए मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा ये जो भी मैं कंप्लेंट किया हूँ ये मेरा पूरा बायोडाटा यहाँ पे ओपन होकर आ जाता है, और ये जो भी मैं डिटेल इसको सेंड किया हूँ टाइपिंग करके वो पूरा मेरा यहाँ पे आ जाता है। तो आप इसको अपने रेफरेंस के लिए प्रिंट करके या अपने मोबाइल में इसको आप रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए। ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आप रख लीजिए, इसको आपको बाद में काम आएगी। इस पोर्टल पे आप किसी भी तरह की साइबर क्राइम की ऑनलाइन रिपोर्ट है, कंप्लेन है, कर सकते हैं।
सोराज आपने जाना कि किस तरीके से हम लैपटॉप से मोबाइल फोन से घर बैठे हम साइबर क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।